हम पढ़ रहे हैं वर्ग यानी स्क्वायर, है ना। तो एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज समझो आप, है ना। पुस्तकस्था तु या विद्या परस्गतम धनम, पुस्तकों में लिखा हुआ किसी काम का नहीं है जब तक कि वो हमें समझ में ना आ जाए और हमें याद ना हो जाए। इसलिए समझना और सीखना जरूरी है जितना कि लिखना, समझ रहे हो ना। तो भैया ये एक चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं हैं और चारों भुजाओं की लंबाइयां भी बराबर है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है, दिख रहा है ना आपको चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर है। तो प्रत्येक भुजा को अपन ने क्या मान लिया, ए सेंटीमीटर। ये ए सेंटीमीटर है, ए बी ए सेंटीमीटर, बी सी भी ए सेंटीमीटर, सी डी भी ए सेंटीमीटर, ए डी भी ए सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यह एक चतुर्भुज है और कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, समान है चारों भुजाएं, प्लस इसमें कितने कोण बन रहे हैं, चार कोण बन रहे हैं। चार कोण कौन कौन से बन रहे हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। कोण एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360। लिखो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। चारों कोणों का योग 360 होता है और इसमें कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं। कौन कौन सी, पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी डी, चौथी भुजा डी ए, और चारों कैसी हैं, बराबर हैं। ए बी इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल डी ए, और कोण, कोण भी इसके बराबर है। चारों कोण, जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए इसके चारों कोण भी बराबर हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, चारों कोण बराबर हैं। इसलिए इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हुआ, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का। 90 अंश मतलब एक समकोण, तो कितने समकोण है इसमें, चार। कोण ए समकोण है, कोण बी समकोण है, कोण सी समकोण है, कोण डी समकोण है। तो कितने समकोण से मिलके बना, चार समकोण। समकोण यानी 90 अंश, तो 90 चार बार, टोटल कितने हो गए, 9 × 36 360 हो गए कि नहीं, 9 × 36 360। तो चारों कोणों का योग 360 होता है। अब हम बात करें विकर्ण। विकर्ण मतलब समझते हो ना, कोने से कोने को मिला दो वो विकर्ण कहलाता है। जैसे हमने ए को सी से मिला दिया, तो ए सी क्या है, ए सी इसका विकर्ण है। ए को सी से मिला दिया, ए को सी से मिला दिया तो ए सी विकर्ण है, और बी को डी से मिला दिया तो बी डी इसका विकर्ण है। बी डी भी क्या है, विकर्ण है। तो कितने विकर्ण होते हैं, किसी वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, ए सी और बी सी, और विकर्णों की लंबाइयां कैसी होती है, बराबर ए सी बराबर बी सी, सॉरी ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब हमें निकालना है इस वर्ग, इस वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं को जोड़ लो, एक ए एक और ए फिर एक ए फिर ए, ए कितनी बार है, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, चार गुणित भुजा, चार ए, चार ए, परिमाप बराबर कितना हो गया, परिमाप, परिमाप बराबर हो गया चार ए, और ए मतलब क्या, ए मतलब भुजा, चार गुणित भुजा, परिमाप हो गया
चारों भुजाओं का योग मतलब 4a मतलब 4 गुणित भुजा। और क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल वर्ग के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उस घेरे गए स्थान को उस वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, ए गुणित ए, ए गुणित ए बोले तो क्या हो जाएगा? ए गुणित ए मतलब कितना? ए स्क्वायर, ए गुणित ए, भुजा गुणित भुजा तो भुजा का वर्ग, भुजा गुणित भुजा मतलब भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। और परिमाप 4 गुणित भुजा। और यदि विकर्ण दिए गए हो, कभी कभी क्या होता है भुजा ना देते हुए विकर्ण दे देते हैं कि पहला विकर्ण इतना दूसरा इतना, तो बताओ इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो फिर कैसे निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, दोनों विकर्णों का गुणनफल कर लो और उसका आधा कर लो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है ना, मालूम पड़ गया ना? अब विकर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? विकर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे विकर्ण की लंबाई? विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर रूट दो भुजा गुणित रूट दो, भुजा गुणित रूट दो। कैसे लिखते हैं ये मैं लिख के बता देता हूं। ए रूट दो, ए रूट दो क्या है? ये वर्ग का विकर्ण की लंबाई है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई है। तो इस तरीके से मैंने आपको वर्ग पर पूरी डिटेल जानकारी दी है। ये वर्ग का प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ।